दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बिजनौर के अंदर तीन लोगों ने मिलकर दो बैलों को जंगल में ले जाकर के, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। आगे इनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद इस पूरी कहानी के बारे में बताएंगे कि दरअसल ये सब कुछ हुआ क्यों है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर हाथरस से सामने आ रही है, जहां पर सत्संग के अंदर जो भगदड़ हुई थी, जिसमें 121 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं, उस सत्संग को लेकर जो SIT बनाई गई थी उसने अपनी जांच सार्वजनिक की है और इस जांच में पता चला है कि बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। साथ ही साथ SIT के अंदर कुछ और बातें लिखी गई है और बाबा को किस बेस पर क्लीन चिट दी गई है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी जी की सड़कों को बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बार फिर खुलासा हुआ है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पूरे देश में रोडें धस रही हैं, जगह जगह पर ब्रिज की जो है टूट जा रहे हैं, इसके चलते मोदी जी का नया बयान वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने सड़कों को बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आगे ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। दरअसल उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर में दो बैल जंगलों में ले जाकर आरोपी इसमें जो है जिनका नाम सामने आया है, इसमें पहले आरोपी का नाम बताया जा रहा है राहुल, दूसरा सचिन और तीसरा ब्रजपाल है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर गौरक्षक भरे पड़े हैं उस जैसी जगह पर किस तरीके से यह बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। यूपी में इसी तरीके से कई जगहों पर साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कई लोग कामयाब भी हो जा रहे हैं, लेकिन गनीमत है कि यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत चालाकी से जो है संभाला और जो आरोपी थे, मेन आरोपी थे, उनको पकड़ा है। अब गौरक्षक फिलहाल यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, उनका कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है कि एक दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर एक व्यक्ति के घर पर, जिसका शायद कुछ सिंह बोल के नाम था, उसके घर में भी गाय के कुछ पार्ट्स मिले थे, गोश्त मिला था, उसको भी पुलिस ने एक्सपोज किया। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का दूसरा मामला सामने आया है जहां पर बिजनौर के अंदर दो बैलों को जंगलों में ले जाकर काट डाला गया, जिसमें आरोपी राहुल, सचिन और ब्रजपाल को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह होगा कि बाबा जी का बिल्डोजर जो हर मामले में लोगों के घरों पर चल जाता है, क्या यहां पर भी उनका बिल्डोजर चलेगा, क्या यहां पर भी बाबा जी अपने बिल्डोजर को ले जाकर के बैलों को इंसाफ दिलवाएंगे, खैर देखना है। अगली खबर जो कि हाथरस से सामने आ रही है दोस्तों, हाथरस के अंदर जिस तरीके से एक सत्संग के नाम पर सैकड़ों लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी गई, उस मामले में अब SIT की एक नई रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में जो चीजें निकलकर सामने आई है वो यकीनन चौंका देने वाली है दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं हाथरस कांड, आप सब जानते होंगे एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसमें प्रशासन और बाबा की लापरवाही की वजह से 121 से ज्यादा लोग खत्म हो गए और अब उसकी जांच के लिए एक SIT बनाई गई थी और SIT की तरफ से जांच करने के बाद जो इसका लुआब निकलकर सामने आया उसमें बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। किस तरीके से स्क्रीन पर खबर देखिए, अफसरों पर सवाल, आयोजन कमेटी पर निशाना लेकिन बाबा का जिक्र नहीं, हाथरस कांड पर SIT की रिपोर्ट में क्लीन चिट। दरअसल हाथरस में बीती 2 जुलाई को साकार विश्वहरी के सत्संग में मची भगदड़ की जांच करने वाली SIT ने अपने 300 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर निशाना साधा गया है, जबकि अफसरों की उदासीनता यानी एक तरीके से जो लेजीपन है इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्वहरी का जिक्र यानी भोले बाबा का जिक्र नहीं है। SIT ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, इनमें हाथरस के DM आशीष कुमार, SP निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले SDM और CO सिकंदरा माऊ और 2 जुलाई को सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के भी बयान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सत्संग में मृतकों के परिजनों और घायल श्रद्धालुओं के भी बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी के द्वारा अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने, नाकाफी इंतजाम के साथ साथ अनुमति देने के बावजूद मौके पर अफसरों के द्वारा मुआवजा नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया है, लेकिन बाबा का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, बाबा का नाम यहां पर नहीं है। जिस बाबा के अंधविश्वास ने लोगों की जिंदगी खा ली उस बाबा को इस SIT रिपोर्ट में लगभग क्लीन चिट मिल चुकी है। अब आप बताइए इंसाफ उन परिवारों को कहां से मिलेगा जिनके अपने इस सत्संग की भगदड़ में चले गए,
खत्म हो गए हैं। इससे पहले भी आप लोगों को पता होगा, जब योगी आदित्यनाथ जी इस घटना को लेकर बोल रहे थे तो उन्होंने भी बाबा का बचाव किया था, उन्होंने भी बाबा का बचाव करते हुए कहा था कि इसमें एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया होगा, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। उसके बाद बाबा का बयान आया, बाबा ने कहा कि भाई इसमें जो भी मतलब जो है हुड़दंगी है या लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। यानी बाबा अपने आप को बचा रहे, सरकार भी बाबा को बचा रही है, और उसका नतीजा यह है कि SIT रिपोर्ट में भी बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। अब इसी तरीके से लीपापोती कर दी जाएगी और बाबा सेफ हो जाएंगे। वैसे ये चलन तो बहुत दिनों से है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, देश में लगातार सड़कें धस रही हैं, रोडवेज जो हाईवे बनाए गए हैं वहां पर किस तरीके से दरारें आ रही हैं आप लोगों ने देखा होगा, इवन अयोध्या के अंदर के भी हालात आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन इसी बीच मोदी जी का एक बयान वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रोडों को बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बयान फरमाइए, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान, और वो ये कह रहे हैं कि हमने सड़कों को बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उसी से सड़कें बनाई जाती हैं, उसका माप वगैरह लिया जाता है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे देश की सड़कों को बनाने में किया जा रहा है तो सड़कें इतनी जल्दी धस क्यों रही हैं, क्यों पुल और उसके साथ साथ बड़े बड़े हाईवेज के ऊपर दरार आ रही है। और अब जब इस तरीके की घटनाएं देश के अलग अलग कोनों से लगातार सामने आ रही हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वैसे नाले की गैस से चाय बनाने का भी फॉर्मूला मोदी जी ने ही निकाला था, और उसके बाद अब स्पेस टेक्नोलॉजी से ये देश की सड़कों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो सड़कें धंसना कम हो रही हैं, ना सड़कें गिरना कम हो रही हैं, ना पुल ढहने कम हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक स्टेट का मामला नहीं है, इनके खुद के अपने राज्य गुजरात में भी इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़कों का हाल क्या है। खड्डे इतने हो गए हैं कि लोगों को बीजेपी पार्टी के झंडे लगा करके खड्डों में रखना पड़ रहा है ताकि लोगों को ये पता चले कि सड़क किसके द्वारा बनवाई गई है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।